नमस्कार दोस्तों, एक्वा फिल्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि आप देखते होंगे, प्लांट की हमेशा वीडियोस होती हैं, तो आज की वीडियो में क्या खास है? आप सोचते होंगे कि ये आदमी सिर्फ टाइम वेस्ट करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने के लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ताकि आप कभी भी खराब क्वालिटी का माल ना खरीदें। हमसे खरीदें या ना खरीदें, कहीं से भी खरीदें, लेकिन जहाँ से भी खरीदें चीज़ आपको 100% अच्छी मिलनी चाहिए। यही मेरा टारगेट रहता है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मार्केट में बिजनेस के इस आरओ प्लांट से रिलेटेड जो डीलर्स होते हैं, उन वो कस्टमर्स को अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मेरे पास कस्टमर्स की इंक्वायरी आती है, वो बोलते हैं सर मुझे 1000 लीटर का आरओ प्लांट लेना है, फुल स्टील का। ये फुल स्टील का ही आरओ प्लांट रखा हुआ है। कस्टमर बोलता है फुल स्टील का 1000 लीटर का आरओ प्लांट लेना है, मुझे कितने का पड़ेगा? भाई मैं उस कस्टमर को बताता हूँ, सर आपको 2.5 लाख रुपये का पड़ेगा। फिर वो बोलता है सर आप तो बहुत महंगा दे रहे हैं। मेरी एक लोगों से बात हुई, वो डीलर हैं, वो तो कह रहे थे मैं आपको 2 लाख में दे दूंगा। तो मामला यहाँ आ जाता है कि ये 50,000 का डिफरेंस कैसे आ रहा है? भाई 50,000 बड़ा अमाउंट होता है, या तो माल में कहीं कमी कर रहे हैं, या तो मैं इसमें आपसे पैसे ज़्यादा ले रहा हूँ। बिल्कुल गलत है, मैं आपसे पैसे भी ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, ना मैं कोई गलती कर रहा हूँ। आपको पूरी चीज़ दे रहा हूँ, उसका पूरा पेमेंट आपसे ले रहा हूँ। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसी वजह से मैंने 1000 लीटर का स्टील का आरओ प्लांट रेडी किया हुआ है, और ये 2000 लीटर का स्टील का प्लांट रेडी किया हुआ है आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आप चीज़ों को समझें और गलत खरीदारी से बचें। या अगर आप प्लांट लगाए हुए हैं, प्लांट अपग्रेड करना चाहते हैं, तो मैं आपको क्वालिटी दिखाऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा, वारंटी सर्विस, मशीनों की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है, पानी का टेस्ट कैसे इंप्रूव होता है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, 5-10 मिनट का टाइम लगता है, आपको नॉलेज मिलती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि वीडियो को इसको स्किप बिल्कुल ना करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको आगे अपडेट्स देता रहूं। तो मैं आपको पूरी प्लांट की डिटेल एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुने और चीज़ों को समझें। तो आइए हम शुरू करते हैं 1000 लीटर के आरओ प्लांट से। ये 1000 लीटर का आरओ प्लांट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक ये मेरा कंप्लीट आरओ प्लांट है। इस प्लांट में आपको मैं दिखाऊँ बारीकी से सारी छोटी छोटी चीज़ें। हमने इसमें लुबिका हाई प्रेशर पंप लगाया हुआ है। आइए हम बढ़ते हैं ये जंबो हाउसिंग फिल्टर की तरफ। आप देख सकते हैं फुल स्टील का 304 ग्रेड में है, मटेरियल बहुत हैवी है, इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं। ये इसका प्रेशर गेज इसका लगा हुआ है, प्रेशर इसका फिल्टर का ये बताएगा। ये मेरे फ्लो मीटर्स लगे हुए हैं, 3600 LPS तक ये हमारे फिल्टर्स को कवर करते हैं, देख सकते हैं। ये इसका प्रेशर गेज है, जो कि हमारे मेम्ब्रेन्स और फिल्टर्स का बताएगा। ये हमारा कंट्रोल पैनल है, जो कि L&T कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसकी खासियत यह है कि ये ऑटोमेटिक मैनुअल मोड दोनों पे चलता है। ये आप देख सकते हैं मैनुअल लिखा हुआ है, ये आपका ऑटो लिखा हुआ है, अभी ऑफ पे है। इधर करेंगे ऑटो मोड पे चलेगा, इधर कर देंगे हमारे मैनुअल मोड पे चलेगा। तेरह चौवन साइज का इस पे हमने स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का, जो कि जिंदल द्वारा बनाया गया है, वेसल लगाया हुआ है, जिसमें एक हमारा पहले वेसल में हमारा मीडियम पड़ता है सेडिमेंट, और दूसरे में हमारा पड़ता है कार्बन। मैं मल्टीपोर्ट की बात करें तो इसमें इनिशिएटिव कंपनी का लगाया गया है 25 NB का। अब आपको दिखाते हैं साइड प्रोफाइल इसकी। ये देखिए फुल स्टील की इसकी लाइन है, जिसका TDS एडजस्टर का लाइन लगा हुआ है, इसकी फिटमेंट्स बाकी हैं। हमारी ये स्टेनलेस स्टील की पूरी मेम्ब्रेन हाउसिंग है, इसका ये बैक प्रोफाइल है पूरा, आप देखिए। किर्लोस्कर कंपनी का इसमें हमने रॉ वाटर पंप 1 HP का लगाया हुआ है, जो कि हैवी ड्यूटी वाला है। इसमें भी नॉर्मल वाले आते हैं, जो 1000 लीटर के FRP RO प्लांट में दिए जाते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील में किर्लोस्कर का ही पंप दिया जाता है। प्लांट की शाइन देखें, आप खुद समझ सकते हैं, मटेरियल लगता है तो हम लोग इसमें पैसे लेते हैं। अब आपको हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता दें। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर स्टील का प्लांट मांगता है, अब डीलर्स क्या करते हैं, इसको FRP में कर देंगे, आपकी वाटर लाइन प्लास्टिक की डाल देंगे और बोल देंगे कि ये स्टील का ही प्लांट है। अब वो स्टील का प्लांट कैसे हुआ, स्टील का आपको फ्रेम दे दिया
और स्टील के पीछे मेम्ब्रेन हाउसिंग जो मैंने आपको दिखाई है ये वाली दे दिया और बोल दिया कि आपको स्टील का प्लांट तो दिया ही है मैंने। हमारे प्लांट्स की आप क्वालिटी फिनिशिंग देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी साफ दिख रही है। एक्वा फिल्टर इंडिया की मानी जानी कंपनी है जो कि आरओ प्लांट के लिए ही एक्सपर्ट है। ये हमारी कंपनी की बैजिंग है। ये डोजिंग पंप का स्टैंड है, इस पर डोजिंग पंप फिट किया जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 2000 लीटर का फुल स्टील आरओ प्लांट है। ये प्लांट पोर्टेबल है, ये देखिए दो पार्ट में बना हुआ है, ये दो हिस्से अलग हो जाते हैं क्योंकि इसको हमें बाहर भेजना है। बाहर भेजने से मतलब है कि इंडिया के बाहर नहीं है, इंडिया के कोने पे ही है, मणिपुर पड़ता है। मणिपुर में एक सुरेश सर हैं, उन्होंने ये प्लांट ऑर्डर किया हुआ है। इसके कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसमें हम लोग हैवी ड्यूटी CRI का पंप देते हैं जो कि 1.5 HP का है। फुल स्टेनलेस स्टील की इसमें वाटर लाइन पड़ी हुई है। वैसेल इसमें हमने डिमांड पे बड़ा लगाया हुआ है। ऑर्डिनरी हम लोग देते हैं 1465 का, लेकिन सर ने बोला हमें बड़ा चाहिए तो हमने इसमें 1665 साइज का वैसेल दिया हुआ है। मल्टीपोर्ट्स आप देख सकते हैं, हमेशा की तरह में नंबर एक क्वालिटी इनिशिएटिव का ही यूज किया गया है इसमें। ये हमारी कंपनी की बैजिंग है। ये हमारा फ्लो मीटर है, ये देखिए 4500 हमारा कवर करेगा। ये मतलब अगर 4500 तक की फ्लो रहा तो ये हमारा इसमें शो करेगा। ये दोनों हमारे प्रेशर मीटर हैं, हमारी ये कंपनी की बैजिंग रही। ये हमारा स्टील का जंबो हाउसिंग फिल्टर है जो कि 5 एलिमेंट का है। इसमें हमने वॉशिंग की लाइन इसमें डाल रखी है क्योंकि जैसे कस्टमर अगर कभी भी मेम्ब्रेन को वॉश कराना चाहे तो वो खुद ही अपने हाथ पे कर सकता है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक नॉर्मली पाइप कनेक्ट करके बाल्टी में या टब में साइट्रिक एसिड घोल करके अपना प्लांट आसानी से वॉश कर सकता है। इसी वजह से हमने इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी के स्टील के इसमें वाल्व लगा रखे हैं। पंप की हम बात करें तो इसमें हमने लूबी का पंप लगाया हुआ है। लूबी का 2x22 मॉडल का पंप हमने इसमें यूज किया है। पंप के मामले में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ताकि हमें पानी की क्वालिटी अच्छी मिले। मेम्ब्रेन हाउसिंग इसमें हमारी 8080 की लगी है, डबल एलिमेंट की। क्वालिटी आप देखिए कितनी मोटी मटेरियल स्टील की यूज की गई है, नट बोल्ट सारी चीजें। स्टील का मतलब स्टील होता है, ये नहीं कि हमने कुछ भी लगा दिया जुगाड़ से। ये इसका UV सिस्टम है। अभी ये रेडी नहीं है, इसके अंदर ट्यूबलाइट वगैरह पड़ती है, वो सब बॉक्स में पैक है कि वो कस्टमर के साइट पे इंस्टॉल किया जाएगा। ये हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल है जो कि मैनुअल मोड ऑटोमेटिक मोड दोनों पे चलता है, जैसा कि उसमें मैंने आपको दिखाया है। फिनिशिंग देखिए, चीजों को समझिए, क्योंकि परचेजिंग आप एक बार करते हैं और अगर आपने गलत परचेजिंग कर ली तो फिर ये मान लीजिए कि परचेजिंग बेकार हो गई आपकी। हमारी मशीन्स में आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। क्वालिटी आप देख लीजिए कितनी हैवी ड्यूटी माल बनाते हैं। आप हमारा 1000 लीटर का आरओ प्लांट लगा ले, 5-7 साल से पहले इसमें कुछ नहीं होना है। तो यही हाल हमारे 2000 लीटर आरओ प्लांट के हैं। इसको हम लोग मेनली वाटर प्लांट्स में यूज करते हैं। ऐसा प्लांट आप देखिएगा तो हमसे आप बताइएगा कितनी फिनिशिंग आपको कहीं प्लांट में मिली। अब आमतौर पर क्या करते हैं डीलर्स, पंप जो है स्टील का ना लगा करके मोनोब्लॉक लगा देंगे। जंबो हाउसिंग फिल्टर सिंगल एलिमेंट के 2 पीस अलग दे देंगे जो मार्केट में 1000 रुपए के बिकते हैं। इतने ढेर सारे वाल्व्स का तो यूज करने का मतलब ही नहीं है। ये दोनों आपको किसी के प्लांट में नहीं मिलेंगे क्योंकि वॉशिंग लाइन कोई कस्टमर को नहीं देता है, बोलता है कि इसमें तो मेरे को सर्विस का पैसा बचेगा। ये देखिए 2 वाल्व्स इधर लगा के रखे हैं, 1 वाल्व इधर लगा रखा है, ये मेरा TDS एडजस्टर के लिए। अब आपको मैं प्राइसिंग की डिटेल दे दूं, जैसा कि मेरा 2000 लीटर का स्टील का आरओ प्लांट है, इसको हम लोग ISI प्लांट कहते हैं। ये हमारा 1000 लीटर का स्टील का प्लांट है, इसको भी ISI प्लांट कहते हैं। ISI प्लांट वो होता है जो प्लांट ISI के नॉर्म्स पे बनाया जाए। जैसे अभी हम इसमें कुछ प्लास्टिक का कर दें, कुछ लोहे का कर दें, मिलीजुली सरकार बना देंगे तो फिर ये ISI प्लांट नहीं रहेगा। स्टेनलेस स्टील का मतलब फुल स्टेनलेस स्टील होना चाहिए। सपोज मैं आपको बताऊं, इसके नट बोल्ट्स लगे, ये भी स्टील के हैं, आप ये भी देखिए ये भी स्टील के हैं, ये वाल्व लगे हैं ये भी स्टील के हैं और 304 ग्रेड के ही हैं। सारा सब कुछ आप जो भी इसमें देखेंगे वो स्टील का देखेंगे और ग्रेड जो होगा सबका 304 ही होगा। तो इसी को मेनली ISI प्लांट कहते हैं। प्लांट खरीदते समय कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि आपका प्लांट अगर अच्छा होगा
अब जैसे हमने इसमें पंप में कॉम्प्रोमाइज कर लेते, रॉ वाटर पंप में कॉम्प्रोमाइज कर लेते, इसमें जो मेम्ब्रेन्स पड़ती हैं उनमें हम कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, तो पानी की जो क्वालिटी होगी वो मेरी बहुत जल्दी गिर जाएगी। ये 1000 लीटर का प्लांट है, ये मेरा 2000 लीटर का प्लांट है। 2000 लीटर वाले स्टील प्लांट की अगर हम बात करें तो इसको हम 3,50,000 रुपये में रेडी करते हैं। ये प्लांट एक्स्ट्रा डिमांड पर है, ये हमें 3,90,000 रुपये का कंप्लीट पड़ा है, और ये वाला हमें पड़ा है 2,60,000 रुपये का, जो कि कस्टमर ने स्पेशल इसमें कस्टमाइज काफ़ी चीज़ें कराई हैं। जैसे जंबो फिल्टर है तो आप देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हैवी ड्यूटी मैंने लगाया हुआ है, फिल्टर्स को अच्छी क्वालिटी का हैवी एमएम जो गेज होती है वो हैवी बनाई हुई है, और पंप्स को मैंने हैवी किए हुए हैं, वाटर लाइन इसमें अच्छी डाली हुई है। तो मटेरियल के हिसाब से मशीनों के रेट घट बढ़ जाते हैं, तो इसको मैं 2,60,000 में बेच रहा हूँ। ये मेरा 3,90,000 रुपये का पूरा आरओ प्लांट बन रहा है। अगर आपको भी प्लांट लगाना है और प्लांट लगाने में इंटरेस्टेड हैं तो क्वालिटी से समझौता ना करें। मैं तो ये कहूँगा कि आप प्लांट का रेट बाद में पूछें, पहले आके प्लांट फैक्ट्री विजिट करके देखें कि प्लांट में आखिर है क्या, क्योंकि फोटोज़ में चीज़ें कम समझ में आती हैं, अगर आप सामने होंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी बेहतर समझ में आएंगी। आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो में मैंने दोनों प्लांट्स की पूरी डिटेल आपको समझाई है, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी बड़ी चीज़ों को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके दिया है, जैसे कि फिल्टर्स की क्वालिटी, पैनल की क्वालिटी, वेसल की क्वालिटी, मल्टीपोर्ट की क्वालिटी, वाटर लाइन की क्वालिटी, ISI प्लांट में क्या डिफरेंस होता है, ISI का मतलब ISI स्टैंडर्ड पे वो प्लांट बनाओ, सिर्फ स्टील से मतलब नहीं होता है, हम एक एक चीज़ को ISI के नॉर्म्स में कवर करें। अगर हम इसको प्लास्टिक का डाल दें, फिर वाटर लाइन हम प्लास्टिक की कर दें, सब छोटी छोटी चीज़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टील का प्लांट तो इसने बनाया लेकिन मल्टीपोर्ट तो इसने देखिए प्लास्टिक का ही लगा रखा है, तो सर मैं आपको बता दूं मल्टीपोर्ट जो होते हैं वो सिर्फ प्लास्टिक के ही आते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरा NB सिस्टम होता है जो कि बैक वाश, फास्ट वाश और इनलेट वाटर, प्योर वाटर, वेस्ट वाटर की पूरी लाइन डाइवर्सिफाई करता है, तो वो प्लास्टिक नहीं बनना पॉसिबल है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें कवर करा दी हैं, दोनों मशीनों के रेट भी आपको बता दिया है। फिर से बता देता हूँ, ये 2,60,000 की मशीन है, ये 3,90,000 की है। लोएस्ट में लेंगे तो 2,40,000 में भी मैं इसको बना दूंगा, और इसकी बात करें तो मैं इसको 3,50,000 में भी बना दूंगा। छोटी छोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सपोज़ कर लें मेम्ब्रेन हमने 9,000 की 10,000 की यूज़ की है तो वो हम 6,000 की यूज़ कर लेंगे, इसमें भी सेम यही चीज़ है, हैवी ड्यूटी मेम्ब्रेन यूज़ की है तो इसमें हम थोड़ी सस्ती मेम्ब्रेन यूज़ कर लेंगे, पंप सस्ते वाले यूज़ कर लेंगे। जाहिर सी बात है जब चीज़ों को हल्का करेंगे तो रेट अपने आप गिर जाएगा। अगर आप हमसे प्लांट लेना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस जो है ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में लोकेटेड है, ट्रांसपोर्ट नगर के बगल में मानसरोवर कॉलोनी, वहाँ पर मेरा ऑफिस बना हुआ है। प्लांट्स आकर के आप देखें, चीज़ों को समझें, आए आपका मोस्ट वेलकम है। कॉल करने के लिए मेरी डिटेल्स में नंबर पड़ी हुई है, अगर कॉल नहीं उठता है तो बिल्कुल नाराज़ ना हो, क्योंकि हाई कॉल वॉल्यूम्स की वजह से कॉल नहीं उठ पाती है कभी कभी, तो लोग गुस्सा होते हैं कि बताओ नंबर तो डाल रखा है लेकिन कॉल नहीं उठाता है। तो सर होता क्या है कि कॉल्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि अब जैसे खा भी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं तो लगातार कॉल आती रहती हैं, तो उस केस में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सएप पर मैं आपको तुरंत कोटेशन, वीडियो, इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें दे दूंगा। वीडियो में मैंने आपको चीज़ें समझाई दी हैं, कोटेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल गया, जब आपको परचेज करना हो आप ऑफिस विजिट करें, पेमेंट जमा करें, माल ले जाएँ। अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं आए तो आप सिर्फ एक्वा फिल्टर के करेंट अकाउंट में ही पेमेंट जमा करके पेमेंट मशीन अपनी मंगवाएं। और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे दिए हुए नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, विजिट करिए। आज के लिए बस इतना ही, अगर कोई हमसे गलती हुई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।